नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। फिलहाल ये जो गाड़ी है, आप अगर चालू करने की कोशिश करें, एक बार चालू करके दिखाना। ये देखिए, सेल्फ नहीं ले रही है। ऐसी कंडीशन में गाड़ी को क्या है, ज़्यादा सेल्फ वगैरह नहीं मारना चाहिए। तो अब हम करने वाले हैं एकदम निल, इसमें पेट्रोल हो गया है और ये एक लीटर पेट्रोल मेरे पास है, इससे माइलेज टेस्ट कि एक लीटर पेट्रोल में अब ये गाड़ी कितनी चल पाती है। तो चार लोग अभी हम लोग हैं गाड़ी में और साथ ही साथ जो बूट है वो भी अच्छा खासा भरा हुआ है, कम से कम तीन चार बैग हैं। तो अब हम इसमें एक लीटर पेट्रोल ये वाला डाल देते हैं। तो गाइज, अब देखते हैं एक लीटर पेट्रोल डालने के बाद क्या ये गाड़ी स्टार्ट हो पाती, क्योंकि लास्ट बार मैंने आधा लीटर एक बार पेट्रोल डाला था इसमें, एकदम ख़त्म हो गया था तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई थी। तो चलिए, तो गाड़ी ने मतलब दो तीन बार परेशान किया और स्टार्ट हो गई फाइनली। अब देखना है कि भाई ये कितनी चल पाती है। तो ट्रिप को मैं फटाफट से जीरो कर लेता हूँ, ये मैंने जीरो कर लिया। एसी भी चलता रहेगा साथ में, चार लोग हम बैठे हुए हैं और अब देखते हैं हम कि ये गाड़ी कितनी चलती है। तो गाइज, थोड़ा सा मैं मतलब रोड कंडीशन के बारे में बताना चाहूँगा। ये रोड मतलब वैसी है, एकदम उबड़ खाबड़ से, थोड़े से गड्ढे वगैरह हैं इसमें और थोड़ा सा ट्रैफिक भी है हल्का फुल्का, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्रेक वगैरह जो है वो लेना पड़ जा रहा है। अभी गाड़ी 3.5 किलोमीटर के अराउंड चली है और 18 की माइलेज शो कर रही है। तो एक चीज़ तो ये भी मतलब इस टेस्ट में पता चल जाएगी कि भाई जो MID है वो क्या माइलेज शो करता है और एक्चुअल में गाड़ी की क्या माइलेज निकल के आती है। बाकी ये अभी भी मतलब ठीक ठाक चल रही है। पिकअप वगैरह में मुझे कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिला और मैं पूरा मतलब अच्छा खासा 60-70 की स्पीड पर चला रहा हूँ। ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा बिल्कुल, 80 के ऊपर गाड़ी नहीं जा रही है और कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा स्लो भी ना चलाऊँ, एकदम मीडियम तरीके से चला रहा हूँ। तो गाइस, फिलहाल की अपडेट ये है कि गाड़ी चल चुकी है 10.8 किलोमीटर और 20 की माइलेज ये यहाँ पर शो कर रही है। और आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नसरुल्लागंज करके ये एक छोटी सी सिटी है। तो ये जो टेस्ट आपको मिलने वाला है, हाईवे प्लस सिटी मिक्स्ड, मतलब मिक्स्ड कंडीशन में मिलने वाला है। यहाँ पर आराम से क्लच ब्रेक ब्रेकर वगैरह सब कुछ आने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा। और एसी भी चल रहा है, चार लोग भी गाड़ी में बैठे हैं, बूट भी अच्छा खासा भरा हुआ है। तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा टेस्ट है ये, एकदम रफ़ एंड टफ कंडीशन में टाटा टियागो का। और नॉर्मल ज़्यादातर लोग बाग गाड़ियों को मतलब ऐसे ही चलाते हैं मिक्स्ड कंडीशन में। कंपनी जो है टाटा टियागो का 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है टाटा। अभी तो 11 किलोमीटर ये ऑलरेडी चल चुकी है और सामने की तरफ जो है ट्रैफिक अच्छा खासा मिलने वाला है। प्यारे प्यारे लंबे लंबे। सो गाइज, गाड़ी अभी हो चुकी है बंद। ये देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रही है। 14.5 किलोमीटर ये चली है और एवरेज ये यहाँ पर 17.9 का दिखा रहा है। और ये जो पूरी सिटी थी मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से बेकार, मतलब एकदम ब्रेक फिर ब्रेकर आ रहे हैं, फिर कोई गाड़ी आ जा रही है सामने, तो ऐसी कुछ चली। तो 10 किलोमीटर ये हाईवे पे चली है इसमें से और ये 4.5 किलोमीटर सिटी के अंदर चली हुई है। और मिक्स्ड कंडीशन में 14.5 का इसने एवरेज निकाला है और 18 का बताया है, मतलब कि 3.5 किलोमीटर के आसपास जो MID है और इसमें ट्रिप में डिफरेंस यहाँ पर शो होता है।
और अब जो मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पेट्रोल तो खत्म हो गया तेरा, अब क्या करेगा, तो देखिए किस्मत बहुत बेकार हॉर्न बजाते। तो पीछे की तरफ ये देखिए, यहीं पर पेट्रोल पंप है और यहीं पर गाड़ी का जो पेट्रोल है ख़त्म हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि ये भाई इतना टेंशन फ्री कैसे था, अगर यहाँ नहीं होता तो क्या था। तो एक 2 लीटर की जो बोतल है पेट्रोल की, वो मैं साथ लेकर के चल रहा था। ये देखिए, आप बोल रहे थे ना बूट का, मैं बोल रहा था कि एकदम भरा हुआ है, ये देख सकते हैं पूरा बूट भरा हुआ है। और ये रही वो 2 लीटर की बोतल जिसमें पेट्रोल है, ये मैं डाल लेता रास्ते में और नियरेस्ट पेट्रोल पंप तो गाड़ी मतलब पहुँच ही जाती उसके बाद। तो भाई उम्मीद है आपको टाटा टियागो का ये एक माइलेज टेस्ट मिक्स्ड कंडीशन में पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।